हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूअल बूटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ड्यूअल बूटिंग का मेन पर्पस होता है सिंगल मशीन के अंदर ही लिनक्स और विंडोज़ दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके साथ में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी। किस नाम से है मैं दोबारा से आपको नाम भी दिखा देता हूँ। विंडोज़ और लिनक्स ड्यूअल बूटिंग के नाम से मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, जिसमें मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन जो है, या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इस मशीन के अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको इंस्टॉल करके दिखाया था। सेकेंड पार्ट में मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर आपके सामने है, ये भी आप देख सकते हैं, कंप्लीट रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इज नाउ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। अब आप क्या करेंगे, यहां पर अपनी मशीन को रिबूट कीजिए। रिबूट पर आप क्लिक कीजिएगा। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं अगेन मशीन को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब जो है मशीन यहां पर रिबूट हो रही है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर ये है रेडेट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर, और ये है विद रेस्क्यू। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो अभी मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन से बूट करना है। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, एंटर की प्रेस कीजिए। अब यहां पर हमारी मशीन जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन से बूट कर रही है। यहां पर देखिए जरा, ये लाइसेंस ऑप्शन आया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। आई एक्सेप्ट, डन, देन आप फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो मैक्सिमम फिनिश हो चुकी है। केडम मेमोरी, जस्ट इसको इनेबल रहने दीजिएगा। कर्नल के लिए स्पेशली मेमोरी यूज की जाती है। फॉरवर्ड और सब्सक्रिप्शन को भी नो कीजिएगा। फिनिश, और आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये देखिएगा जरा, और आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी मशीन जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूट कर चुकी है। अब इसके लिए मैं जरा यहाँ पर जल्दी से एक बार रूट यूजर से लॉगिन करके आपको शो करा देता हूँ कि हमारी जो इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर रूट यूजर से लॉगिन किया है। तो यहाँ पर हमने, अगर मैं आपको प्रॉपर शो कराऊं, तो इस वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, अब मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों, अब मेन पार्ट आता है कि हमें अभी, अगर हम लोग देखें, इस वर्चुअल मशीन के अंदर हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है या बूट किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसी मशीन के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी बूट करना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अपनी मशीन को एक बार रीस्टार्ट करता हूं। रीस्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा, तो आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं, क्या यहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी कोई ऑप्शन आता है या नहीं आता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी वर्चुअल मशीन के अंदर ड्यूअल बूट करते हैं, ड्यूअल बूट तो हो जाएगा, लेकिन कभी भी आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग, इस ड्यूअल बूटिंग की मशीन पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराना चाहते हैं, तो कैसे कराएंगे? तो दोस्तों, इसके लिए आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन से बूट करना होगा, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार बूट कराना होगा, और उसके अंदर जाकर आपको थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। कहाँ पर करेंगे वो मैं अभी आपको डिस्प्ले कराऊंगा।
एक बार इस मशीन को बूट करना कर जाने दीजिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इधर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन को बूट कर चुका हूँ। अब इसमें मैं रूट यूजर से लॉगिन करता हूँ। रूट यूजर लॉगिन हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं रूट यूजर से लॉगिन कर चुका हूँ अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इस मशीन के अंदर हमें क्या एडिटिंग करनी पड़ेगी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर। तो सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन कीजिएगा दोस्तों। टर्मिनल में थोड़ा सा इसको, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एफ डिस्क कमांड यूज करेंगे। एफ डिस्क स्पेस हाइफन एल कमांड यूज कीजिएगा। एफ डिस्क कमांड के द्वारा आप यहाँ पर देखिए कि हमारी जो बूट पार्टीशन है दोस्तों, बूट पार्टीशन वही रहेगा जिसके सामने ये स्टार का सिंबल रहेगा। बूट पार्टीशन का नंबर क्या है, यहाँ पर SDA1, ये 1 जो है हमारा बूट पार्टीशन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक फाइल यूज करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए जरा, सबसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल यूज कर रहा हूँ। हमने एफ डिस्क कमांड यूज की, एफ डिस्क स्पेस हाइफन एल टू चेक बूट पार्टीशन नंबर। ठीक है, वहां पर हमने चेक किया कि जो हमारा बूट पार्टीशन का नंबर है वो है 1। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इस फाइल के अंदर जाएंगे। ठीक है, जस्ट मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं और जल्दी से जाकर वहां पर पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए जरा, तो हम लोग VI एडिटर यूज करेंगे। रूट पार्टीशन के अंदर etc डायरेक्टरी के अंदर ग्रब डॉट डी डायरेक्टरी के अंदर 40 अंडरस्कोर कस्टम फाइल के अंदर चलेंगे। यहां पर जाने के बाद, इस फाइल में आने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आप इंसर्ट मोड में जाइएगा। जो इस फाइल के अंदर एंट्री दी हुई है उसको एज इट इज रहने दीजिएगा। और यहां पर आपको कुछ अनदर एंट्री ऐड करनी है। एंट्री क्या रहेगी वो आप ये वाली यूज करेंगे। इसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इस एंट्री का मीनिंग क्या है। तो आप जस्ट यहां पर जाकर उसको पेस्ट कर दीजिएगा। अब इस एंट्री का मीनिंग है, सबसे पहले वर्ड यूज कर रहे हैं मेन्यू एंट्री, जो मैं मेन्यू शो कराना चाहता हूं। मेन्यू एंट्री के अंदर मैं विंडोज 7 के नाम से एक अनदर एंट्री ऐड कराना चाहता हूं। फिर सेट रूट स्पेस HD0 के नाम से हमारी हार्ड डिस्क है और बूट पार्टीशन है हमारा 1। ठीक है, चेन लोडर, और इसके बाद आप इसे यहां पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो एक सेकंड जरा मैं थोड़ी सी और एडिटिंग कर लेता हूं यहां पर इसको प्रॉपर वे में सेट करता हूं जरा। हाँ ठीक है, देन दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको ये तीनों लाइन ऐड करनी है इसमें। ठीक है, इन तीनों लाइन को ऐड करने के बाद दोस्तों, इस एंट्री को बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक है, ये एंट्री करने के बाद इस फाइल के अंदर आप अपनी फाइल को सेव कर दीजिए, जस्ट WQ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहां पर सक्सेसफुली आप उस फाइल से बाहर आ गए हैं। अब आपको नेक्स्ट एंट्री जो करनी है, आपको एक कमांड रन करनी है दोस्तों। अब ये एंट्री आप कर चुके हैं, अब आपको ये कमांड रन करनी है कि जो भी आपने ग्रब टू कॉन्फ़िगरेशन की है उसे आपको अपलोड करना है अपनी बूटिंग फाइल के अंदर। बूटिंग फाइल होती है हमारी रूट पार्टीशन के अंदर, बूट डायरेक्टरी के अंदर ग्रब डॉट टू डायरेक्टरी के अंदर ग्रब टू डॉट CFG, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ग्रब टू की। तो जस्ट आप दोबारा से इस फाइल को पेस्ट कीजिएगा कमांड को। अब ग्रब टू हाइफन MK कॉन्फिग अब टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा। एंटर की प्रेस कीजिएगा, एक नया कॉन्फिग ग्रब कॉन्फिगरेशन फाइल जनरेट हो रही है।
भेज, आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली डन का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक नई ग्रब कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरेट की है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या इस फाइल के अंदर नई कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हुई है या नहीं। तो मैं विम एडिटर के द्वारा दोबारा से मैं उसी फाइल को ओपन करता हूँ, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। अब इस फाइल के सबसे लास्ट में आ जाइएगा दोस्तों, सबसे लास्ट में आइएगा और आप दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेन्यू एंट्री विंडोज 7 की आप यहां पर एंट्री देख सकते हैं, सेम वही है जो मैंने अभी कुछ देर पहले उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड किया था और ये भी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो भी हम लोग चाहते थे। तो इतना करने के बाद मैं यहां पर एक सेकेंड जरा, हाँ ये वाला, अब देखिए ये यहां पर टाइम आउट इंसर्ट मोड में जाकर आप यहां पर 50 सेकंड कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी बूटिंग ऑप्शन आता है उसके लिए हमें 5 सेकंड का ही वहां पर टाइम शो करता है। मैं चाहता हूं वहां पर 5 सेकंड की जगह मुझे 50 सेकंड का टाइम आउट शो करे। एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू, राइट एंड क्विट कीजिएगा। तो अब हम लोग अपनी मशीन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से देख लेता हूं कोई अनदर एंट्री तो नहीं है। तो इसके द्वारा, इस फाइल के द्वारा मैंने नई ग्रब फाइल जनरेट की और दोबारा से इस फाइल में जाकर मैंने कंफर्म किया न्यू ग्रब के लिए। अब आप अपनी मशीन को रीस्टार्ट कर सकते हैं INIT Space 6 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक सेकेंड जरा, अब मैं अपनी मशीन को रीस्टार्ट करता हूँ INIT Space 6 कमांड के द्वारा, एंटर की प्रेस कीजिएगा। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो रीस्टार्ट हो रही है और ये देखिए दोस्तों, अब आपके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी मशीन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7 सर्वर, सेकंड है रेस्क्यू, थर्ड दोस्तों आप यहां पर विंडोज 7 का ऑप्शन देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों अगर आपको अपनी मशीन को रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर में बूट कराना है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कीजिएगा तो आपकी मशीन जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट कर जाएगी। अगर आपको अपनी मशीन को विंडोज 7 में बूट कराना है तो इसको सिलेक्ट करके आप एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। और आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हमारी मशीन जो है वो विंडोज 7 से बूट करने जा रही है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग सिंगल मशीन के अंदर ही लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डुअल बूट कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे पास में बहुत सारे बंदों ने मेरे को मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा या फिर फोन पर, व्हाट्सएप पर काफी बार ये मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया था, क्या सर हम लोग डुअल बूटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, प्लीज इसके रिगार्डिंग भी कोई वीडियो अपलोड कीजिए आप। तो आज मैंने उन सभी अपने फॉलोअर्स के लिए ये दो वीडियो अपलोड की है। ठीक है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं।